हेलो फ्रेंड्स, पियाज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे के मालपुआ की रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाना। मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहे तो इसे 3/4 कप गेहूँ का आटा और 1/4 कप सूजी, इस रेशियो में भी इसे ले सकते हो। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 2 छोटे चम्मच चीनी ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे सौंफ, इसे मैंने कूट कर लिया है। सौंफ डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, और पानी को भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखकर 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, और चीनी पानी में अच्छे से घुल जाने तक इसे पकाना है। यहाँ पर चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकाना है। हमें यहाँ पर कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी बस यहाँ पर थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए। इस तरह से 1/2 घंटे के बाद बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से कंसिस्टेंसी चाहिए हमें बैटर की। गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें ये जो मालपुआ का बैटर बनाया है इसे डालेंगे। जैसे ही मालपुआ पकने लगेगा तो वो खुद ही तेल के ऊपर आएगा, तो इसके बाद इसे पलटी कर लेना है, और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हमें फ्राई करके लेना है। मालपुआ अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसे हम गरम गरम ही चाशनी में ऐड करेंगे। यहाँ पर चाशनी हल्की सी गरम होनी चाहिए। इसे बस 2 मिनट के लिए चाशनी में रहने देना है, और इसके बाद इसे निकाल लेना है। और इसी तरह से बाकी के मालपुआ बनाकर लेने हैं। बैटर को हमें सेंटर में डालना है। बैटर सेंटर में डालने से मालपुआ राउंड शेप में बनता है। मालपुआ को हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करके लेना है। इसके ऊपर साइड से ऐसे तेल डालेंगे। आप यहाँ पर मालपुआ को घी में भी फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर मालपुआ दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर पे फ्राई हो चुका है, और इसे गरम गरम ही चाशनी में ऐड करेंगे, और 2 मिनट के लिए ही इसे चाशनी में रहने देंगे और इसे निकाल लेना है। यहाँ पर मालपुआ बनकर तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।